मैं नहीं समझता था कि नए सिरे से मुझे नींव बनानी पड़ेगी। आज यहाँ हम लोग नींव बनाने के लिए आए हैं, मेरे समझ में यही आ रहा है। नहीं ठीक है, ठीक है। जय भीम, जय भीम, जय भीम। इसलिए जय भीम कि मैं जानना भी चाहता हूं कितने जय भीम वाले इधर हाथ उठाइए, कितने जय भीम वाले। हम सभी लोग जय भीम वाले हैं और इसलिए जय भीम वाले हैं कि जब ये जय भीम नहीं थे तो हम लोग किसी लायक नहीं थे। जब ये जय भीम नहीं थे तो हम लोगों के पास कोई ताकत भी नहीं थी, हम ताकतविहीन थे। ये जय भीम नहीं थे तो आज शायद हमें माइक पर बोलने का मौका मिला है, मंच पर गाने बजाने के साथ में कथा कहने का मौका मिला है और आपको कुर्सी पर बैठने का मौका मिला है, कुर्सी और मंच के सामने आप लोगों को इकट्ठा बैठने का मौका मिला है, मात्र शक्तियां हमारे बगल में मंच के सामने बैठने का इनको मौका मिला है। जब जय भीम नहीं थे तो हम लोगों को कहां बैठाया जाता था, हम लोग कहां बैठते थे, हम लोग इकट्ठा नहीं बैठते थे, हम लोगों को कुर्सी भी नहीं हुआ करती थी, मंच भी नहीं हुआ करता था, माइक भी हुआ नहीं करता था। हम लोगों को वो लोग कहां बैठाते थे जो लोग जय भीम को आज भी और कल भी देखना नहीं चाहते थे, वो लोग कहां बैठाते थे हम लोगों को। दो स्थान दिया करते थे हमारे लोगों को, ये भारत के मूल निवासियों को, भारत के गुर्जर समाज के लोगों को दो स्थान दिया करते थे बैठने के लिए। एक तो उनका जानवर जहां चारा खाता था, जहां पर उन लोगों का जानवर चारा खाता था वहां पर हमारे लोगों को बैठने का स्थान दिया करते थे, और एक स्थान और देते थे बैठने के लिए जहां पर उनका बर्तन धुला जाता था, जहां पर उनका बाथरूम होता था और जिस नाली से बाथरूम भर करके जाता था वहां पर हमारे लोगों को बैठने का स्थान दिया करते थे। जब जय भीम नहीं थे आज तो हम लोग साफ सूत्रे वस्त्र में आज हम लोग बैठे हैं, टाई बेल्ट जूता मोजा लगा करके कुर्ता पजामा धोती कुर्ता और हमारी मातृशक्तियां और हमारे बच्चे साफ सूत्रे वस्त्र में बैठे हुए हैं। जब जय भीम नहीं थे तो हमारे लोगों का कौन वस्त्र पहनने का मौका मिलता था, कैसे वस्त्र पहनते थे, फटे पुराने गंदे कपड़े पहनने के लिए मजबूर हुआ करते थे। जब जय भीम नहीं थे तो हम लोगों को खाना कैसा खाना मिलता था। आज तो हम लोग कहते हैं कि तावे की रोटी गरम गरम चाहिए। जब जय भीम नहीं थे तो हमारे लोगों को बासी रोटी खाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। जब जय भीम नहीं थे तो आज तो हम अपने कमाई का किसी तरीके से अपना मकान बना करके महल बना करके रह रहे हैं। जब जय भीम नहीं थे तो हमारे लोगों को कैसे मकान में रहना पड़ता था, झुग्गी झोपड़ी फूटे फूटे छप्परे और टाटिया के मकान में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता था। आज भी वो स्थितियां हैं कहीं कहीं पर देखने को मिलता है। जब जय भीम नहीं थे आज तो हम लोगों को नल का पानी और हमारे लोग आईएएस विशेष अभियान डॉक्टर मास्टर इंजीनियर चाहे सांसद विधायक या अन्य थोड़ा लायक हो गए हैं तो कहते हैं हमको आरओ का पानी चाहिए, हमको आरओ का पानी चाहिए, फ्रिज में गर्मी आ रहा फ्रिज में पानी रख करके रख देना, उस बोतल का पानी लेकर के आना। जब जय भीम नहीं थे तो हमारे लोगों को पानी किस तरीके का पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ता था, गंदे नाले गंदे तालाबों का, और वो लोग अपने कुएं का भी पानी पीने से वर्जित कर दिए थे। हमारे लोगों को अपने आप कुआं खोद करके पानी निकाल करके पीने के लिए मजबूर होना पड़ता था। जब जय भीम नहीं थे ये भारत का संविधान भी नहीं था, आयो भारत का संविधान नहीं था हमारे बीच में आईएएस विशेष आईपीएस डॉक्टर मास्टर इंजीनियर वकील वगैरह वगैरह पदों पर विभिन्न विभागों में सीना तान कर करके काम करते हैं। ये जय भीम नहीं थे तो संविधान नहीं था, और संविधान नहीं था तो शिक्षा भी नहीं था, और जय भीम ना होते तो संविधान ना होता, और संविधान ना होता ना शिक्षा होता,
और संविधान न होता तो आईएएस विशेष आईपीएस मास्टर डॉक्टर और इंजीनियर भी न होता। इच्छा भी न होते तो भारत का संविधान न होता, और भारत का संविधान न होता तो ग्राम पंचायत का प्रधान भी न होता। इच्छा भी न होते तो भारत का संविधान न होता, और भारत का संविधान न होता तो सांसद विधायक भी न होता। इच्छा भी न होते तो भारत का संविधान न होता, और भारत का संविधान न होता तो आज मैं तो चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं, भारत में घूम घूम करके मुझे मौका जब मिलता है तो मैं यही बोलता हूं कि जय भीम न होते तो भारत का संविधान न होता, और भारत का संविधान न होता तो दुनिया में यह झूठ बोलने वाला 56 इंच का सीना बताने वाला ये भारत का प्रधानमंत्री भी नहीं हो। ये जो भी कुछ ताकत मिली है भारत में, ये जय भीम की ताकत, जो भी कुछ भारत में ताकत मिली है जय भीम की ताकत है। इसलिए साथियों ये जय भीम की ताकत का इस्तेमाल किसके लिए करना है, ये जय भीम की ताकत का इस्तेमाल किसके लिए करना है, उस जय भीम के लिए करना है जिन्होंने ये ताकत दिया, और ताकत के एहसास किसको कराना है, ये जय भीम की ताकत का एहसास किसको कराना है जो जय भीम को देखना नहीं चाहता है, सुनना नहीं चाहता है, जो भारत का संविधान की प्रतियां जलाने का काम करता है, जो आरक्षण खत्म करने का काम करता है, संविधान को मिटाने का काम करता है, जो बल व्यवस्था बनाने का काम करता है, जो जाति व्यवस्था में बना करके रखने का काम करता है, ये जय भीम की ताकत के एहसास उसको कराना है, जय भीम की ताकत का एहसास उसको कराना है। इसलिए साथियों जय भीम की ताकत का इस्तेमाल आप लोग मेरे साथ में दोनों हाथ उठाकर बोलिए जय भीम, जय भीम, जय भीम। आज इस गांव का क्या नाम है, महमूद, चंदन, चंदन दूर है या महमूद है। साथियों कई दिनों से बुद्ध कथा, बुद्ध के विचारों की कथा यहां किया जा रहा है, और हमें भी बुलाया गया था, हमारे मोबाइल में नाम लिख करके आता है अखिलेश जी। अखिलेश जी ने फोन किया कि हमारे गांव में सीतापुर में विश्वम बुद्ध कथा होगा, बड़ी विशाल कथा होने जा रही है और आप लोगों को आना है। मुझे भी एहसास हुआ और खुशी भी हुआ कि मुझे जाना भी चाहिए। सावित्री जी को मैंने कहा कि सावित्री जी उस कथा में हमको पहुंचना चाहिए, इसलिए कि भारत में जहां भी हम लोगों को सूचना मिलता है जो भी लोग बुलाते हैं, बुद्ध कथा हो, अम्बेडकर मिशन की बात हो, कांशीराम जी के मिशन की बात हो, बहुजन समाज की मिशन की बात हो, मूल निवासियों के मिशन की बात हो, जहां भी हम लोगों को सूचना मिलता है हम लोग जाते हैं। उसी तारतम्य में आपके बीच में आने का मौका मिला है। इस कथा के मुख्य अतिथि आज के मुख्य अतिथि, कल के कौन मुख्य अतिथि रहे होंगे मैं नहीं जानता, लेकिन आज के इस कथा के मुख्य अतिथि जिनको आप नाम तो जानते होंगे, और यदि YouTube खोलते होंगे तो चेहरा भी देखने को मिलता होगा। आज के इस कथा के मुख्य अतिथि जिनके नाम की चर्चा पूरे भारत में जिन्होंने संविधान को लेकर के, आरक्षण को लेकर के, बहुजन समाज के अधिकार को लेकर के आंदोलित हैं, सांसद के रूप में रहे तभी और सांसद के रूप में न रहने के बाद भी अभी ऐसे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे आपके बीच में लोकप्रिय जनप्रिय संघर्षशील और जुझारू निर्भीक लीडर अविनाश्वर, ऐसे आपके बीच में सावित्री बाई फुले जी और इस मंच पर बैठे हुए, नाम से मैं अवगत नहीं हूं, बैठे हुए तमाम साथी हैं,
हमारे कतार में तमाम साथी इस कार्यक्रम में आए हुए, तमाम हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, उम्र बराबर के भाई, माताएं बहनें बच्चे, आप सबका आज मैं अपने तरफ से आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, आपको बधाई देता हूं और साथ ही साथ आपका सादर जय भीम करते हुए मैं थोड़ी सी बात आपके सामने करना चाहता हूं। आज कथा हो रहा, कथा होता आया है, कथा हो भी रहा है, आज नए सिरे का कथा हम लोग सुनने को मिल रहा। एक कथा पुराने आप लोग सुनते रहे हूं, ये भारत में, ये भारत में विचारों की लड़ाई है, ये भारत में संविधान की लड़ाई है, ये भारत में दो तरीके के लोग रहते हैं, एक ऊंचा वाले रहते हैं, एक नीचे वाले रहते हैं। ये भारत में दो विचार के लोग रहते हैं, एक विचार के वो लोग रहते हैं कि मैं बड़ा हूं, और एक विचार के वो लोग रहते हैं जिनको छोटा बनाया हुआ। ये भारत में दो संविधान है, एक संविधान को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, एक संविधान को खत्म करके अपना संविधान बनाया, और अपना जब संविधान बनाया तो अपने लिए नहीं बनाया, इस भारत के मूल निवासियों के लिए, भारत के देशवासियों के लिए ये जनता वाला संविधान बनाया। एक संविधान था, ये भारत में आज भी संविधान की लड़ाई है, विचारों की लड़ाई है, और कल भी विचारों की लड़ाई और संविधान की लड़ाई होती रही है। जिनका आप कथा सुन रहे हैं, जिनके नाम से कथा सुन रहे हैं, कथागत गौतम बुद्ध जी ये विचार लेकर के आए, और उनके विरोध में विचार लेकर के आए जिन लोगों ने ये भारत के मूल निवासियों को टुकड़े टुकड़े में बांटने का काम किया, उनके विरोध उनको खड़ा होना पड़ा जिन लोगों ने बाहर से आकर के हमारे भारत के मूल निवासियों बहुजन समाज के लोगों को वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में बांटने का काम किया, टुकड़े टुकड़े में बांटने का काम किया। इसको देखते हुए गौतम बुद्ध जी को आगे आना पड़ा, उनके दिमाग और दिल में बैठा, ये भारत के लोग तो एक जमात बना करके रहा करते थे, आज टुकड़े में इनको बांटा जा रहा है, व्यवस्था बना दिया गया है, नीच उच्च के भाई बना दिया गया है, जाति व्यवस्था बना दिया गया है, इस भारत के मूल निवासियों को 6,743 जातियों में बांट दिया गया है। इसके विरोध उस टुकड़े को जोड़ने के लिए, जो झुका हुआ टुकड़ा था, इन लोगों ने उसे जमात को टुकड़े में बांटने का काम किया, उसको पुनः गौतम बुद्ध जी फिर जमात बनाने का काम करना शुरू किया। उन्होंने के आंदोलन का नाम दिया था, बहुत बड़ा आंदोलन उन्होंने भारत में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया गौतम बुद्ध जी ने, और उस आंदोलन का नाम दिया कि भाई ये गड़बड़ हो रहा है, ये भारत में गड़बड़ हो रहा है, राजपाट को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, अपने दुदमुहे बच्चे को छोड़कर, सब कुछ त्याग करके इसको पुनः फिर जोड़ने के लिए, फिर समाज बनाने के लिए, फिर जमात बनाने के लिए वो आगे आ गया, वो आगे आ गया, और उन्होंने उस जमात बनाने के लिए उन्होंने एक आंदोलन का नाम दिया, उस आंदोलन का नाम दिया बहुजन हिताय और बहुजन, आप लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं ये किसका शब्द है, ये किसका शब्द है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का शब्द किसका है, तथागत गौतम बुद्ध जी का। उन्होंने गौतम बुद्ध जी ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का ये शब्द दे करके आंदोलन का शब्द है ये आंदोलन खड़ा कर दिया, और उस आंदोलन में लाखों लाखों लोग गौतम बुद्ध जी के अनुयायी बन गए, गौतम बुद्ध जी के साथ में भिक्षु बनकर इस आंदोलन को बड़ा पैमाने पर बढ़ाने का काम किया, ये आंदोलन बढ़ा भारत में बढ़ा, और इस आंदोलन को गौतम बुद्ध दुनिया में, दुनिया में लेकर के गए, दुनिया में इनका विस्तार, उन्होंने विस्तार किया,
और दुनिया में जब इस आंदोलन को लेकर के गए, बहुजन हिताय बहुजन सुखा के आंदोलन लेकर के गए, ये बराबरी का आंदोलन लेकर के गए, छुआछूत को मिटाने का आंदोलन लेकर के गए, भाईचारा बढ़ाने का आंदोलन लेकर के गए, जमात को बनाने का आंदोलन लेकर गए, 6,743 जातियों के टुकड़े में जो बांटा गया था उनको जोड़ने का उन्होंने आंदोलन लेकर के गए। जिस जिस देश ने भारत के अलावा जिन लोगों ने जो देश के लोगों ने गौतम बुद्ध जी के विचारों को मान गया वहां भाईचारा हो गया। जो देश गौतम बुद्ध जी के विचारों को माना वहां भाईचारा हो गया, वहां छुआछूत नहीं, वहां भेदभाव नहीं, अमीर गरीब नहीं, बड़ा छोटा नहीं, सब लोग बराबर हैं। जो देश गौतम बुद्ध जी के विचारों पर चला आज भी चल रहा है। और हमारे भारत में, हमारे भारत में गौतम बुद्ध जी के विचारों से लोग मुंह को दूसरे तरफ घुसा है। जब गौतम बुद्ध जी के विचारों पर हमारे लोगों ने नहीं चला, यही कारण है कि जाति बनी है, यही कारण है कि छुआछूत बना है, यही कारण है कि भाईचारा नहीं है, यही कारण है कि वर्ण व्यवस्था बना है, यही कारण है कि जाति व्यवस्था बना है, यही कारण है कि अमीर गरीब बना है, यही कारण है कि बगल वाले के पास 10,000 एकड़ भूमि है, आपके यहाँ 1 इंच भूमि नहीं है, यही कारण है। इसलिए कि हम लोगों ने गौतम बुद्ध जी के विचारों को नहीं, हम किनके विचारों को माना, जिन लोगों ने व्यवस्था बना करके दिया, नीच ऊंच खाई बनाया, उनकी व्यवस्था को मान करके हम चलने लगे, और उनकी व्यवस्था में जब मान करके चलने लगे, यही कारण है कि आज हम लोग झेल रहे हैं, हम नहीं झेल रहे। और जो इस व्यवस्था से मुक्त हुआ, इस व्यवस्था से मुक्ति की तरफ गया, गौतम बुद्ध जी की व्यवस्था पे माना, आज वो ऐश आराम कर रहा है, आज भाईचारा बना हुआ, यही कारण है। इसीलिए कथा कहा, इसीलिए हमारे लोगों के बीच में हमारे भाइयों ने रिझा करके, समझा करके, गा करके, सब बुझा करके, तर्ज में कई तर्ज में गा गा करके आपको समझाने का काम कर रहे हैं। अब लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, आया। अब कहते हैं ये काम जो प्रतिज्ञाएं जो है उसको आपको अपनाना पड़ेगा। अच्छा, ये आप लोगों ने हाथ उठा करके बताया है, आप लोगों ने हाथ उठा करके हमको बताया है कि हम लोग सभी जय भीम वाले हैं। फिर से मैं जानना चाहता हूं कि कितने जय भीम वाले हैं, जरा हाथ उठा के बताइए। हम सभी लोग जय भीम वाले हैं। तो जय भीम वाले हैं तो जय भीम का काम भी तो है। हम जय भीम वाले हैं तो जय भीम का काम क्या, जय भीम के क्या काम है? और जय भीम ने जो दिया है, जय भीम ने उस दिया है उसको आपको ग्रहण करना है कि नहीं करना है? जय भीम ने जो आपको संपत्ति दिया है उसको बचाना है कि नहीं बचाना है? जरा सा हमारा आपके सामने सवाल भी खड़ा होगा कि आप लोग उसको बचाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, आप लोग उसको ग्रहण करना है चाहते हो कि नहीं चाहते हो? जरा हाथ उठा करके बताइए, आप लोग बचाना चाहते हैं जय भीम की संपत्ति को? जय भीम की संपत्ति को आप लोग बचाना चाहते हो? तो जय भीम की संपत्ति है क्या, कौन सी संपत्ति, किस संपत्ति को हमको आपको बचाना है? मैं इसको खुलासा कर देना चाहता हूं कि जय भीम ने जो संपत्ति दिया है, जय भीम ने जो ताकत दिया है, उसी ताकत के वजह से, उसी ताकत के बल पर ये भी सिंहासन करके गा रहे। वो ताकत ना होता तो इनका भी बस काम नहीं करता। वो ताकत क्या है? भारत का संविधान। क्या है? भारत का संविधान। यदि बाबा साहब अंबेडकर भीमराव अंबेडकर भारत का संविधान ना दिया होते, और भारत का संविधान बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है, वो भारत का संविधान जो बना है वो गौतम बुद्ध जी के विचारों पर बना है, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के ये शब्दों पर, आंदोलन पर ये भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बना दिया है। और सर्वप्रथम उन्होंने लिखा है क्या, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, ये चार शब्द, चार आपको मूल मंत्र है और चार आपको मूल संपत्ति है बाबा साहब ने दिया है। समता, संविधान में समता, समता माने क्या होता है? समता माने बराबरी। समता माने क्या होता है? कोई नीचा ऊंचा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं,
सबके पास सब होना चाहिए, सबके पास सब होना चाहिए। इसको बाबा साहब ने मिटाया। किसको मिटाया? जिन लोगों ने कहा कि नहीं मेरे पास सब होना चाहिए और भारत के लोगों को, भारत के मूल निवासी के पास कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसको बाबा साहब ने मिटा दिया। और उनका संविधान जो था, उनका संविधान जो था, बाबा साहब ने जिस संविधान को मिटाया, उनका संविधान क्या था? मनुवशी मृत्यु। कौन सा संविधान था? मनुवशी मृत्यु, जिसमें छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात, अमीरी गरीबी, ये उनका संविधान है। उस संविधान को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जब भारत में संविधान बनाने का जब मौका मिला, तो उनके संविधान को बाबा साहब खत्म करके और आपके लिए, ये भारत के मूल निवासियों के लिए संविधान लिखा। ये संविधान पर पहले पैराग्राफ पर उन्होंने समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारत का संविधान दे दिया, ताकि कोई गैर बराबरी नहीं, कहीं छुआछूत नहीं, समता दे दिया, बराबरी दे दिया, बाबा साहब ने बराबरी का दे दिया, समता और स्वतंत्रता, सबको कहा कि सभी लोगों को आजादी होना चाहिए, किसी के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। अब उनके संविधान में क्या था? हमारे लोगों को प्रतिबंधित कर दिया गया था, प्रतिबंधित ये कर दिया गया था कि मेरे सामने आप अपनी खुद की चरपाई पर नहीं बैठ सकते। हमारे लोगों को प्रतिबंधित कर दिया था, उनका संविधान प्रतिबंधित कर दिया था कि मेरे सामने खुद की अपनी चरपाई पर आप नहीं बैठ सकते हो, उनका संविधान था। बाबा साहब ने कहा कि नहीं चलेगा, उनके संविधान को बाबा साहब ने मिटा करके स्वतंत्रता दिया, सबको आजादी दिया कि नहीं सब आजाद रहेंगे, सब जो है आग के बराबर में अपने चरपाई चाहे दूसरे के चरपाई पर बैठ सकते, ये व्यवस्था दिया। बंधुत्व भाईचारा खत्म हो गया था, गौतम बुद्ध जी के विचारों को लेकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपसी भाईचारा बना दिया, क्या सब में भाईचारा किया, सब में भेद नहीं होना चाहिए, सब में भाईचारा होना चाहिए। और फिर उन्होंने न्याय, उन्होंने कहा कि अन्याय करने वाले को दंडित होना चाहिए और जिनके साथ में अन्याय हुआ है उनको न्याय मिलना चाहिए। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उनके संविधान को खत्म करके अपना संविधान दिया। आज ये आपकी संपत्ति है, ये आपकी संपत्ति है, इस संपत्ति को आज उनको मौका मिल गया है, इसको खत्म करने जा रहे हैं, उनको मौका मिल गया है इस संविधान के, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को वो लोग खत्म करने जा रहे हैं। कौन लोग? आप लोग सब लोग जान गए हो, आप लोगों के दिल दिमाग में बैठ गया है, दोस्त दुश्मन की पहचान आप अपने आत्मा के अंदर कर चुके हो, आप अपने आत्मा के तराजू के से तौल चुके हो कि हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। वो दुश्मन को मौका मिल गया है, और दुश्मन को मौका देने का काम खुद उसको मौका नहीं मिला है, दुश्मन को मौका देने का काम हमारे भारत के बहुजन समाज के लोगों ने किया है, दुश्मन को मौका देने का काम हमारे लोगों ने किया है। अहिर गिरडिया तेली तमोली सुनार लोहार मल्ला काची धीवर बासी राजमन उनिया कादो कलवार चमार भंगी वगैरह वगैरह जो जातियां हैं, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को नहीं जान पाए, डॉक्टर अंबेडकर की व्यवस्था को नहीं जान पाए, गौतम बुद्ध के विचारों को नहीं जान पाए, ये भ्रमित हो गए। आज भी भ्रमित किया जा रहा है, आज भी भ्रमित किया जा रहा है। बड़ी शौक से आप हाथ उठा करके कहते हो जय भीम, अब इधर आप जय भीम करते हो और उधर आपका परिवार ढोल बम देता है, ढोल बम। ये भ्रमित किया गया हमारे समाज को, आज भी भ्रमित किया जा रहा है हमारे समाज को। जय भीम जितने तेजी से बढ़ा रहे हो उतने तेजी से उनका भी आपके घर में नकब काटी जा रही है। आप जय भीम करते हो, आपका बच्चा 6 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 10 साल का छात्र, 10 साल के छात्राएं जिनको पढ़ना चाहिए
वो बोलबम बोल रहे, भगवा पहना दिया गया, चट्टी बंडी पहना करके कमर धरा करके बोलबम उधर लेकर जा रहे हैं। किधर लेकर जा रहे हैं? डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को न मानने के रास्ते पर लेकर के जा रहे हैं। ये किसके परिवार है? किसके परिवार है? हमारे आपके परिवार है। अब वो अपने परिवार को कहां भेज रहे हैं? जिले ने व्यवस्था बनाया है, वो अपने परिवार को अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। कहीं भी उनका बच्चा कमर ढोते नहीं दिखाई देगा, कहीं उसका बच्चा पैदल चलते नहीं दिखाई देगा, कहीं उनका बच्चा आम है बिना चप्पल का बोल बम के तरफ नहीं दिखाई देता देगा। किसके बच्चे? इसी यही गरड़िया तेली तमोली सुनार लोहार मला कुचा कांवर कुर्मी वगैरह वगैरह जो जातियां हैं, इन्हीं के बच्चे दिखाई, इन्हीं के बच्चे दिखाई देंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि भारत का संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं। भारत का संविधान ये नहीं बताता है, भारत का संविधान ये बताता है शिक्षित, भारत का संविधान ये बताता है कि सबको बराबरी होना चाहिए, सबको शिक्षा होना चाहिए, सबको बेरोजगारी दूर होना चाहिए, सबको नौकरी होना चाहिए, सबको मकान होना चाहिए, सबको जमीन होनी चाहिए, सबको सम्मान होना चाहिए, सबको सुरक्षा होना चाहिए, सबकी व्यवस्था होना चाहिए, ये भारत का संविधान बताता है। लेकिन ये लोग भारत का संविधान नहीं मानते। मैं तो जानना चाहता हूं, मैं तो कहता हूं, बार बार नहीं कहता, हर मन से कहता हूं, ये जो सीना तान करके आपके संविधान मिटाया जा रहा है, वो तो सीना तान करके कह रहा है कि हम इस आर्टिकल को खत्म खत्म कर रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कानून खत्म की जा रही है, संविधान में जो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जो कानून दिया है उसको खत्म कर रहे हैं। अब किसके बल पर खत्म कर रहे हैं? किसके बल पर खत्म कर रहे हैं? वो बल है किसका? वो बल अहिर गरड़िया तेली तमोली सुनार लोहार मला काशी धीवर पासी राजमनोनिया कांगे कलवार चमार भंगी का, ये बल उनका है। इन लोगों ने अपना बल देकर के उनको बलवान बना दिया, वरना वो बलवान नहीं बन पाते। आज बलवान बन करके आओ, हथियार किसके ऊपर चलाने जा रहा है? आपके ऊपर, जिसको आपने बलवान बनाया, जिसको आपने बलवान बनाया है वो आप ही के ऊपर हथियार चला रहा है। आपका संविधान खत्म कर रहा है, आपकी आरक्षण खत्म कर रहा है, आपकी व्यवस्था खत्म कर रहा है, आपका सम्मान सुरक्षा व्यवस्था सब खत्म कर रहा है। गलती किसकी है? किसने गलती किया है? गलती हमारी, गलती आपकी, गलती भारत के बहुजन की, गलती भारत के मूल निवासियों की। ये हम लोग अनजान में गलती करते रहे हैं, अनजान में हम लोगों ने गलती किया। मुझको नहीं पता था, किसी को नहीं पता था कि इसको बलवान बना दिया जाएगा, ये हथियार हमारे ही ऊपर चलाएगा। इसको बलवान बना दिया जाता है, हथियार डॉक्टर अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर चलाएगा। ये पता होता तो हम क्यों बलवान बनाते? लेकिन साथियों अब तो पता चल गया, अब पता चल गया कि नहीं चल गया? चल गया। कितने लोगों को पता चल गया? जरा हाथ उठाकर बताइए कि हमको पता चल गया है। लगभग सबको चल गया, सबको पता चल गया है कि हम ही लोगों ने बलवान बना दिया। अरे बलवान ये हथियार का प्रयोग इस्तेमाल जो कर रहा है, मेरे ऊपर कर रहा है, संविधान पर कर रहा है, तो मैं जानना चाहता हूं कि पुनः इनको बलहीन बनाना है कि नहीं बनाना है? बलहीन बनाओगे आप लोग? जब बलहीन बन जाएगा तो जो आपका बल है वो तो आपके पास रहेगा, उनको नहीं देंगे तो बलहीन हो जाएगा, तो बलहीन हो जाएगा, बिना ताकत का हो जाएगा, विकलांग हो जाएगा, तो आपका सहारा का इंतजार करने लगेगा कि हमें सहारा दे, हमें सहारा दे दो। मैं कहना चाहता हूं वो तो बिना सहारा का था, वो आया तो बिना सहारा का था। पढ़े लिखे लोग हो सकता, प्रबुद्ध समाज के लोग, आप लोग इतिहास के तरफ जब जाएंगे तो आपका इतिहास साक्षी है और गौतम बुद्ध जी का संघर्ष साक्षी है। गौतम बुद्ध जी किससे संघर्ष किया? क्या इस देश के मूल निवासियों से संघर्ष किया? क्या गौतम बुद्ध जी क्या या बहुजन समाज से संघर्ष किया? क्या गौतम बुद्ध जी क्या मुसलमानों से संघर्ष किया? क्या गौतम बुद्ध जी क्या इस
साधियों से संघर्ष किया क्या? गौतम बुद्ध जी क्या चाइनों से संघर्ष किया क्या? गौतम बुद्ध जी क्या सिखों से संघर्ष किया? यदि गौतम बुद्ध जी ने संघर्ष किया है तो हिंदू बनाने वाले लोगों से संघर्ष किया, हिंदू बनाने वाले लोगों से संघर्ष किया है। ये लोग हिंदू बनाने वाले लोग, हिंदू बनने वाले लोग नहीं। आप कहेंगे बड़ा गर्व से कहेंगे कि हम हिंदू हैं, कहते बड़ी शान से कहते हम हिंदू हैं। हिंदू किसने लाया? ये तो था नहीं हिंदू, भारत में तो हिंदू ही नहीं था, भारत में तो इंसान था, भारत में तो गैर बराबरी भी नहीं थी, भारत में तो बराबरी थी, भारत में तो भाईचारा था। लेकिन हिंदू किसने बनाया? हिंदू किसने लाया? हिंदू हीन भावना से देखने वाले दो, हीन भावना से देखने वाले दो, ये किसने लिया? मुगल। मुगलों ने कहा हीन, और हीन बनाया किसने? बाहर से आकर के आर्यों ने हमारे भारत में हमको हीन भावना से देखा। हीन भावना से मतलब कि छुआछूत, भेदभाव, नीच ऊंच, भेदभाव बना करके हीन भावना से देखना शुरू किया। जब मुगल आया तो हमको भी हीन कहा और दो लोगों को हीन कहा और दोनों को जोड़ करके हिंदू बना दिया। किसको हीन किया, किसको हीन कहा? इन लोगों ने दो वर्गों को हीन बनाया, इस देश के पिछड़ी जाति को, इस देश के अनुसूचित जनजाति को। ये दो लोगों को, अनुसूचित जात को, जनजाति को, ये दो वर्गों को इन लोगों ने हीन भावना हीन बनाया, अति कमजोर बनाया, लाचार बनाया, गुलाम बनाया, अछूत बनाया, भेदभाव पैदा कर दिया। उसको मुगल ने आकर के कहा हिंदू, यानी हीन भावना से देखने वाले दो, कौन कौन? पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति, उसी को जोड़ करके हिंदू कहा गया, उसी को जोड़ करके हिंदू कहा गया। इन लोगों ने हमको हिंदू बनाया। आज शौक से कहते हैं हिंदू, हमारे हिंदू 100 करोड़, बड़ी तान करके, सीना तान करके कहते हैं हमको हिंदू बनाया। हीन भावना से देखने वाले दो वर्गों को हिंदू कहा गया है। और अपने को क्या कहा गया है? उन्होंने क्या कहा है? वो कहा कि मैं सनातन धर्म वाले हूं, अपने को सनातन धर्म वाले लोग मानते हैं, और हमारे पिछड़ी जात के, अनुसूचित जात के हिंदू कहते हैं। हीन भावना से देखने वाले जिनको हीन इन्होंने बनाया उनको हिंदू कहा गया, और हिंदू शब्द मुगल लाया और उसी का ये लोग प्रयोग करते हैं हमारे ऊपर। हम लोग जान नहीं पाते, हम लोग जान नहीं पाते हैं, और सीने तान करके कहते हैं, हमको जोड़ करके कहते हैं, तो हम लोग उनको बलवान बना देते हैं। हमारे लोगों को जोड़ करके कहते हैं कि हम हैं हिंदू 100 करोड़।